हमारे तो ये जो आप देख रहे हैं ना टुकड़ा टुकड़ा, 1 2 3, ये सब टूट चुका है। बाकी सामान वामान तो है आपके पास। जय माता दी। भाई विश्वकर्मा जी के तो फोटो रहना ही रहना है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पुल हो गया ख़राब, ये देख रहे हैं खोखला हो गया, कभी भी गिर सकता है। तो यही अपना रास्ता है, और रास्ते में ये पुल चल तार चला गया है, और यहाँ पे हटवाना भी था। तो अभी क्या है कि ये खन रहे थे, तो बाइक में एक प्रॉब्लम आ गया है। बाइक में प्रॉब्लम क्या आ गया ना, आपको तो पता है कि जब हाइवे पे चलते हैं तो बाइक की स्पीड थोड़ा रहता है 80-90 पे। ये वाला तो थोड़ा टाइट है, लेकिन इसको भी थोड़ा ढीला हो गया, टाइट करना पड़ेगा। ये जो नट देख रहे हैं ना, गिर गया, हिलता है, ठीक है। तो भाई इंसान से ज़्यादा बाइकों पे ज़्यादा खर्चा होता है, और ख़र्चा क्या होता है देख लो, नट है कसा हुआ है, ढीला होकर गिर गया। अब ये कितने लगेगा, वही 10 20 30 40 50 जो भी लगे, लेकिन लगवाना तो पड़ेगा ही। तो अभी चल रहे हैं अपने बगीचे पे, वहाँ पे पोल गड़ रहा है, तो पोल हटवाना भी था। वहाँ चलते देखते हैं क्या सिस्टम है, और वहाँ से निकलेंगे तो फिर चलेंगे ये नट लगवाने के लिए, क्योंकि बहुत गंदा आवाज़ कर रहा है। तो ऐसे ही है, बाइकों पे पैसा लगता रहता है, कोई नट गिर जाता है तो बाइक कुछ ख़राबी हो जाती है, कुछ तो कुछ होता रहता है। बाकी टंकी भी इसमें फुल कराना पड़ेगा। हमको लगा फ्यूल ख़त्म हो गया, लेकिन बाइक स्टार्ट करने के बाद चालू हो जाए। बाइक आगे बढ़े तो 2 फुटी दिखा रहा है, लगभग वही 600-700 रुपये का फ्यूल में टंकी फुल हो जाएगा। अच्छा लगता है जब बाइक लेके जाते हैं, फ्यूल सीधा बोलते हैं टंकी फुल। अरे देखो टंकी फुल, हमें बार बार तो टाइम नहीं बर्बाद करना है ना, 100-200 डला के। आपको अक्सर यही चीज़ बोलते रहते हैं। अभी देख पा रहे हैं ना, ये रोड बन रहा है, तो रोड बनने से पहले नालियों का काम चलता है। नालियों का काम के बाद चैम्बर ऊपर बन जाता है, फिर उसके बाद से पुल कहाँ पे क्या गाड़ना है, जहाँ ख़राब रहता है वहाँ पे नया लग जाता है, और जो पुल सही रहता है उसको रिपेयरिंग लोग कर देते हैं। तो अच्छी बात है, रोड बनने से पहले सब काम होना चाहिए, तो जल्दी रोड बन के रेडी हो जाएगा। बाकी टोटल इसे लेके जेड तक सब कुछ दिखा रहा हूँ, एकदम रियल लाइफ जो हमारे साथ होता है, हम जो करते हैं वो सब कुछ दिखा रहा हूँ। अभी अपने प्लाट पर पहुँच चुके हैं फिलहाल, मट्टी तो खना रहा है पुल गाड़ने के लिए। अच्छा ये वाला सिस्टम है, तो पोल गाड़ने के लिए यहाँ पे सिस्टम है, उस पोल को हटा के यहाँ पोल लगाना है। चलिए अभी इसका कराते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लोग एकता नहीं है, मतलब इसे एक कॉलोनी होता ना कि एक साथ रुक रहेंगे। देखिए यहाँ पे गाड़ दिया है, तो चलिए इसको हम हटवा रहे हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पोल हो गया ख़राब, ये देख रहे हैं खोखला हो गया, कभी भी गिर सकता है। तो यही अपना रास्ता है, और रास्ते में ये पुल चल तार चला गया है, और यहाँ पे हटवाना भी था। तो अभी क्या है कि ये खन रहे थे, तो किशन भैया आए, यहाँ पे काम रुकवा दिए हैं, बोल रहे कि पुल को आगे बढ़ाना। पुल किस लिए आगे बढ़ाना है, क्योंकि रास्ता है, तो बीच में जब पुल रहेगा तो हम अपनी बाइक ऐसे लेके आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो इस पुल को ही देखने आए, अभी तो कोई दिख उख नहीं रहा है, क्योंकि कॉलोनी है ना, तो जब कोई कांड हो जाता है तो लोग अपने अपने गेट से बाहर निकलते हैं देखने के लिए, आपको बताने के लिए नहीं, देखने के लिए निकलेंगे क्या हो रहा है। और ये भूल जाएगी कोई आपका हेल्प करेगा, भाई हम देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, रुकवा दिए हैं अभी फ़िलहाल, उसको पोल हटवा के यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ से वहाँ तक बीच में पोल नहीं रहेगा, यहाँ पे एक दरिया है, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ना, इनको दिक्कत होगा ना इनको दिक्कत होगा। उसके बाद से ये भी है, ये वाला जो पोल है ये भी परफेक्ट जगह पे है, यहाँ से तो कोई गेट निकालेगा नहीं, अगर यहाँ से अलग भी होगा तो एकदम साइड पोल पे है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो भी सब सही है, लेकिन वहाँ पे जो मेरा पोल है वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, वहीं पोल गड़ा है, वहाँ से हटवाना भी था, फिर वहीं खन भी रहे थे, तो वहाँ से हटा के वहाँ लगवाना है, ठीक है। तो जैसे ही साहब लोग आते हैं फिर बात करते हैं, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। बाकी अभी किशन भैया से बात करते हैं, जो ही फ़ोन करके इनको बुलाए हैं, ठीक है। बाकी तो आगे भी है, ये भी रोड बना हुआ है फिलहाल, फिर से बनता है कि नहीं बनता वो आगे चल के ब्लॉक में बताऊँगा, क्योंकि आप लोग को तो बस 10 मिनट का ब्लॉक चाहिए, लेकिन हम क्या है कि पूरा वेब सीरीज डालने लगते हैं 20 मिनट 30 मिनट का। वो क्या नया लाइक है ना मेरा, तो वेब सीरीज तरह होना चाहिए। चलिए ठीक है, भैया को फ़ोन करें आए। और हम क्या बताएं, हम जा रहे थे काम पे, फिर इसके बस से आए, बाइक में एक नट गिर गया, उसकी वजह से बहुत वेबेट कर रहा था, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। जब देखेंगे क्या है तो देख रहे हैं नट गिर गया है। अभी यहाँ का काम निपटा लें, उसके बाद से अभी हम चल भी जाएंगे, तो लोग आएंगे तो ये हमें दोबारा फ़ोन करके बुला लेंगे कि आ जाइए, तो फिर आ जाएंगे।
यहाँ से निकलते पहले नट लगाएंगे, क्योंकि बाइक में कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मेरे को बाइक एकदम मेंटेन चाहिए। बाइक में कुछ भी खराबी होती है तुरंत बनवाते हैं भाई, इसी से हमें चलना है, सब कुछ काम भी करना है, ब्लॉगिंग भी करना है, राइड भी करना है, तो सब कुछ करना है। अब जुपिटर है, जुपिटर सिटी के लिए है, ये भी सिटी के लिए है, लेकिन मैं जल्दी दूसरी बाइक परचेज़ कर लूँगा। फिलहाल यहाँ के लोग एक साथ नहीं रहते हैं भाई, ये यहीं अटक यहीं गाड़ रहा है, पड़ा भैया यहीं गाड़ रहा था वो, तो यहाँ से हटा के वहाँ सही तो बोले वहाँ पे सही है, कहाँ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, ये इनका दीवार, यहाँ गेट निकलना नहीं है, इनका भी बीच में निकल जाएगा गेट, इनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में सही तो है ये। हाँ तो नहीं कर सकते तो काम तो रोक सकते हैं ना, जब काम रुकेगा तो बड़े अधिकारी खुद ही आएंगे, पूछेंगे कौन रोका, मैं बोलूँगा मैं रुका हूँ, क्योंकि दूसरे के दरबार पर तो नहीं खड़े चले जाएंगे। यहाँ भी तो सही है, वही तो कह रहे हैं हम लोग, यही यही बोल ही रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कर दो तो भी कोई बुराई नहीं है, वो भी सही है। दिमाग में रख लो तो अगर हाँ सोच विचार लो, यहाँ से अगर कर भी देते हैं तो इतना स्पेस तो बहुत है अपने पास, ठीक है, इतना भी ठीक है। अब पुल ज़्यादा इधर ला भी नहीं रहे यहाँ भी, और यहाँ तक ब्लॉक है तो कोई रास्ता आना जाना है नहीं, अपने पास सेफ भी है, इनको भी दिक्कत नहीं होगा। अभी चल रहे हैं हम बाइक में नट लगवा लें, उसके बाद से नट लगवा के फिर घर पे जाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद से मॉर्निंग में 8 बजे तक पब्लिक कर दे रहे हैं। इस टाइम 4 बजे करते थे, लेकिन अभी इस टाइम क्या है 8 बजे कर रहे हैं। बाकी वही पोल थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बाकी एकदम रोड पे आ जा रहा है गेट पे, बाकी वही पोल वाला काम हो जाएगा तो रोड भी बन जाएगा, तो आने जाने में कंफर्टेबल भी रहेगा। अभी समझ लीजिए कि बाइक चला रहे हैं तो मेरी बॉडी मसाज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रही बॉडी ना, तो समझिए जो साइज हो गया मेरा। और ये जो रोड देख रहे हैं सेम माउंट एरिया में ऐसे ही मिलेगा आपको, अभी तो समझ लीजिए कि रोड बन ही रहा है सब जगह, इंडिया में सब जगह रोड बन रहा है। अभी आस ही पास ही देख रहे हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। ये गिरेगा नहीं, बढ़िया होता है, वो भी बदलेंगे, गिरने दे, वो है तो लगने दे रहे हैं, कौन सी वो भी नटो बदलेंगे ना ही, जब तक है हाँ जब तक है तब तक है बदलाई जो है उसको, लेकिन टाइट कर दीजिएगा स्क्रू से, लेकिन मेन नटवा यही काम करेगा ढेर, गिरवे नहीं। हाँ अब उसको टाइट कर दीजिए। अब ये वाला देखिए कंपनी का है और ये बाहर का है, लेकिन ये गिरेगा नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना टुकड़ा टुकड़ा 1 2 3 ये सब टूट चुका है, अरे मतलब सब्सक्राइबर को बता रहे हैं, ये देखिए जुड़ा हुआ है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं देखिए जुड़ा हुआ है ना ये, और ये देखिए टुकड़ा टुकड़ा है। बाइक में 200 रुपये लग गया, और गए थे नट लगवाने, अब नेट के चक्कर में 200 रुपये खर्चा हो गया। मम्मी आप बोलती है ना पैसा कहाँ जाता है, तो पेट्रोल में जाता है, और बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो बाइक बनवाना पड़ जाता है। नट गिरा था जो 10 रुपये का आता है, तो समझ लीजिए कि 10 रुपये तो नट लगा दिए हैं, लेकिन बाइक में ना वो आवाज़ कर रहा था, तो अब आवाज़ नहीं कर रहा है, तो उसमें से स्विच ब्रेक पे कार्बन था उसको हटाएं खींच के, और जो चैन है ना एक लबड़ आता है उसको नचाने वाला, वो लगता है छोटा छोटा दिखाएं आपको, वो बदले हैं, टोटल 200 रुपये खर्चा हो गया। अगर आपको बता दें पंचर भी होता है ना, तो कमाल का पंचर होता है, मतलब वही पंचर होता है जहाँ पंचर वाले होते हैं बनाने वाले, तो ये भी मेरे लिए लकी चीज़ है, मतलब बाइक लेके चल रहे हैं पंचर हो गया तो वहीं पंचर हुआ रहता है जहाँ पे पंचर वाली दुकान होते हैं। तो गए थे नट लगवाने, नट लगवाने चक्कर में 200 खर्चा हो गया। बाकी ब्लॉग को इन करते हैं, खुद सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो खूब दबा के शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी प्ले बटन आएगा। बाकी जो लाइफ में चल रहा है वो सब आपको दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं, और यही नहीं सिर्फ बाहर का, मैं अपने
फैमिली में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी बताता हूँ, क्योंकि देखिए पोल को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब पोल हटेगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बाइक को ले जाने में, ठीक है। बाकी जो बड़ा सा गेट है उसमें भी अपना हिस्सा मिलेगा, वो टाइम आने पे हम आपको बताएंगे कैसे कब लेना है। फिलहाल अभी पोल को साइड हो जाए, जैसे ही पोल साइड हो जाता है उसके बाद से ज़्यादा काम तो हो ही जाएगा। बाकी अपना हक कैसे लेना है ये तो हम अच्छे से जानते हैं और आपको भी बताएंगे कैसे लिया जाता है। तो इसके लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए।